नाथ भोले नाथ है नाथ कैसे होई। सुल्तानगंज बाबा अजगैवी नाथ मंदिर आप देख सकते हैं, ये अजगैवी नाथ घाट का घाट है और सावन का आखिरी सोमवारी है 2024 का। तो आइए कांवड़ियों से जाने की कोशिश करते हैं। 24 चल रहा है, हमारा ही एक नियम है जो पूर्णिमा का जल हम उठा करके बाबा को निसाल करते हैं, लेकिन बाबा धाम का जो आप पूछ रहे हैं सो व्यवस्था वही है जो कई बार हमको सो पंडा के लिए निकासी गेट फ्री है और नहीं पंडा के लिए। अच्छा। लेकिन हम लोगों के लिए, हम लोग जो प्रति महीना पूर्णिमा का जल टो लेकर के जाते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पर 11 घंटा 12 घंटा 14 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अगर आप पूछते हैं तो हाँ, तो इस विषय में सो हम आपको खास करके कहते हैं जो मासी का व्यवस्था अगर आप लोगों से हो तो कुछ करवाइए, नहीं तो इस विषय में बोलिए। हम लोगों को मजबूरी वही है जो बाबा का पूजा करना है, इस फाइल को कौन उठाएगा करेगा। अच्छा, अभी तक कितने बार जा चुके हैं बाबा धाम? सुनिए 23 वर्ष हुआ है। 23 हाँ, 12 से उसको गुणा कर दीजिए, 14 से जनवरी 1 जनवरी जो है उसका जल भी हम चढ़ाते हैं। और नहीं वो हिसाब हम नहीं जानते हैं। और शिवरात्रि जो है उसमें भी अपियर होते हैं, और उपनयन जब होता है तो वो सबका तो कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, सुल्तानगंज से बाबा धाम का यात्रा है आपका है, तो बाबा धाम से और आगे है बासुकीनाथ। क्योंकि बाबा धाम कांवड़िया सब जाते हैं जल अभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, तो बाबा बासुकीनाथ भी जाते हैं। 60% भी जो जितना बम आया है वो लोग तो बासुकीनाथ जीवे करता है। हम लोगों में ऐसा है जो कुछ मासी बाबे धाम से वापस हो जाता है, अधिकतर बासुकीनाथ जाता है। अधिकतर बासुकीनाथ। हाँ हाँ। अच्छा, भोलेनाथ का क्या श्रद्धा है? भोले इतना वर्षों से आप लोग जा रहे हैं। हाँ। क्या श्रद्धा है, क्या मनोकामना है, क्या मनोकामना? सुनिए, ईश्वर एक ठो हैं, इनका औढ़रदानी वाला जो रूप है उसका परिणाम इस हाथ से कीजिए इस हाथ में मिलता है। हमको अगर पूछते हैं तो हमको जो मन में हुआ आगे तैयार हो गया, इससे अधिक हम नहीं कह सकते। आप कहाँ से हैं? हमारा घर पड़ता है मधुबनी, जिला मधुबनी है, सब डिवीजन झंझारपुर है। उम्र कितना? 80। 80 वर्ष। नाथ भोले नाथ है नाथ कैसे होई, वो तो दिलबर दिगंबर का दरबार है, वो तो दिलबर दिगंबर का दरबार है, जिनके ऊपर अखिल विश्व का भार है, वो तो दिलबर दिगंबर का दरबार है, जिसका नाथ भोले नाथ है अनाथ कैसे होई। हर 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 महादेव। इसे सुल्तानगंज से धाजा गली से हम पंडा में से एक हैं, और यहाँ जो है 365 दिन जो है गंगा आरती होता है, गंगा का आरती सब दिन होता है मंदिर के प्रांगण में, और जो है यहाँ 365 दिन कम से कम 10,000 यात्री तो प्रत्येक दिन जाते हैं, और सावन महीना का बात ही छोड़ दे, कांवर उठ के यहाँ से बाबा के यहाँ 365 दिन भी जाते हैं, 10,000 कम से कम यात्री प्रत्येक दिन। सावन का विशेष महत्व है, इसलिए जो है सावन के महीने में तो यात्री का कोई लेख ही नहीं है, लाखों 2 लाख 5 लाख यात्री प्रत्येक दिन जा रहे हैं यहाँ का।
आज जो है सावन का पूर्णिमा है, आज तो कम से कम 10 लाख यात्री उठाए हैं जल। आज 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। तो आज आखिरी सोमवार है? आखिरी सोमवार, हाँ, 2004। मतलब गिरावट आएंगे इसमें? हाँ, अब तो भादो का महीना आ गया, अब तो यात्री जो है 2-4 हज़ार तो प्रत्येक दिन जाते हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए कांवड़ियों का जल अभिषेक का क्या तरीका है, मतलब क्या नियम है, कैसे कराते हैं? हम लोग कांवर का जल जो है हम लोग संकल्प कराते हैं यहाँ से जल उठाने का, और वहाँ विसर्जन का संकल्प होता है, वहाँ जल का पालन होता है। हाँ, जहाँ जब कांवर उठने वक्त जो है ये जो है कान पकड़ के उठ बैठ करते हैं 5 बार, कि अगर जाने अनजाने किसी प्रकार का भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अच्छा, यह नहीं, हाँ, इसलिए जो है कोई जान के भी गलती करता है और कुछ अनजान में भी गलती हो जाता है, इसलिए जो है ये क्षमा प्रार्थना करते हैं लोग, कि किसी प्रकार का जाने अनजान में भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अच्छा, और उठ बैठ, उठ बैठ, हाँ, कुछ भोलेनाथ को पसंद करने के लिए भक्ति भी गाते हैं? हाँ हाँ, जरूर गाते हैं। अच्छा, आज रक्षाबंधन है? हाँ, आज रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्यौहार है, और आज जो है ये पावन महीना का दिन है, ये सब जो है अपने भाई बहन से भाईचारे का नाता जो है निभाएंगे। रक्षाबंधन का मुहूर्त 1 बजे के बाद से है, 1 बजे तक कोई रक्षा नहीं बांध सकते हम। 1 बजे के बाद? 1 बजे के बाद से है।